छब्बीस जनवरी सुबह 11 बजे के बाद बहराइच नगर पालिका के किस ग्राउंड में। ये है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, स्वेटर पहनती हुई मंत्री अनुपमा जायसवाल। एक वादे को पूरा करने का दावा करती अनुपमा जायसवाल। वादा था सरकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चों से कि जब तक इन बच्चों को इस कड़ाके की ठंड में स्वेटर मुहैया नहीं करा लूंगी, तब तक मैं भी स्वेटर नहीं पहनूंगी। लेकिन अनुपमा जायसवाल ने बच्चों से किया अपना वादा ही तोड़ दिया और पहन लिया स्वेटर। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसी तरीके से, इसी नेक इरादे के साथ, दृढ़ इरादे के साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करती रहेगी और हम सब आदरणीय योगी जी के पीछे पीछे उस युग ऋषि के चरणों का अनुसरण करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर इस प्रदेश को मजबूत करने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। दरअसल योगी सरकार ने 2017 में यूपी की सत्ता पर काबिज होते ही ऐलान किया कि ठंड के आने से पहले ही सूबे के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को स्वेटर, जूते और मोजे बांटे जाएंगे ताकि वो कड़ाके की ठंड में भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। इस बाबत योगी सरकार ने सूबे के करीबन 1,53,00,000 सरकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को स्वेटर दिलवाने की कोशिश की। कई बार टेंडर हुए लेकिन कोई भी कंपनी 190 रुपये में स्वेटर देने को राजी नहीं हुई और देखते ही देखते पिछले साल किए गए इस ऐलान की डेडलाइन भी 30 नवंबर 2017 को खत्म हो गई। वहीं योगी सरकार की किरकिरी हो रही थी तो ऐसे हालात में शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने एक इमोशनल कार्ड खेलते हुए मानो भीष्म प्रतिज्ञा ही कर ली और कहा, जब वो स्वेटर पहनने के लिए जाती हैं तो बच्चों का चेहरा याद आ जाता है, उन बच्चों से मेरा रिश्ता माँ जैसा है। वो तब तक स्वेटर नहीं पहनेंगी जब तक बच्चों को स्कूल में स्वेटर नहीं मिल जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसी तरीके से, इसी नेक इरादे के साथ, दृढ़ इरादे के साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करती रहेगी और हम सब आदरणीय योगी जी के पीछे पीछे उस युग ऋषि के चरणों का अनुसरण करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर इस प्रदेश को मजबूत करने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि अनुपमा जायसवाल अपने इस वादे को करने के बाद शॉल और हीटर लेकर साथ चलती थी, लेकिन अब तो अपने वादे से ही मुकरते हुए मंत्री साहिबा ने स्वेटर पहन लिया। सोचिए, कड़ाके की सर्दी के बीच पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के बच्चे ठिठुरती ठंड में स्कूल जाने को मजबूर थे और दूसरी तरफ वादे को पूरा न कर पाने के लिए विरोधी आलोचना कर रहे थे। यूपी सरकार ने ऐसे में नया फैसला लेते हुए कहा कि लोकल मार्केट से खरीदकर बच्चों को स्वेटर बांटे जाएंगे और इसके लिए बकायदा 6 जनवरी से आदेश जारी भी हुआ और इसी को आधार मानते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल का दावा है कि करीब 50,00,000 बच्चों को स्वेटर मिल चुका है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी ये है कि वादे को किए हुए 1 साल होने को है और 1 करोड़ जरूरतमंद स्कूली बच्चों को अब भी स्वेटर मिलने का इंतजार है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, बहराइच।